एवरी वन, गुड मॉर्निंग। यादव किचन बाय लक्ष्मी में आपका स्वागत है। तो यहाँ देखिए, धनिया मिर्ची लहसुन ले लिया है और ये मटर छील के। तो आज हम बनाएंगे हरी मटर का चाट। बहुत ही ईजी है बनाने में, बहुत जल्दी बनता है। इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। तो इसको हम पीस लेंगे, हरी मिर्च धनिया और लहसुन को। कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई, तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा। तो जीरा का ही तड़का देंगे। बहुत ईजी है बनाने में, 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा हरी मटर का चाट। बहुत अच्छा लगता है ठंडी के टाइम में खाने का। सीजन भी है मटर का, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। इसलिए जो है इसको डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसको 1-2 मिनट तक इस तेल में ऐसे फ्राई कर लेंगे इसे चलाते हुए। फिर इसमें जो है वो पेस्ट जो हमने बनाया है धनिया और लहसुन मिर्च का, इससे बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ईजी है बनाने में। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा मटर, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा देर के लिए इसको ढक देंगे, 10-5 मिनट के लिए। बस इतने में ही ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो इसको ढक देते हैं। और जो लोग चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ये ढक दिया था, छोड़ दिया। अभी सुखा लेते हैं इसको, अभी सूख जाएगा और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मटर, तो मटर जो है अब देखिए सॉफ्ट हो गई है, बन के रेडी हो गया है ये। इसको मिक्स कर देते हैं और चाय के साथ आप इसका आनंद लीजिए। तो देखिए हमारा मटर भी सॉफ्ट हो गई है और हरी मटर का चाट बन के रेडी है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ईजी है बनाने में। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलते हैं, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं भुजिया नमकीन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।